Krishna, 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 Krish
हो जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। महाराज जी की वाणी में आना बड़े अनिवार्य है, कहीं ये तहिया कर गया अच्छे कर्ता बन गई, और कहीं ऐसे थोड़ा सा जरा वातावरण विषम होना चाहिए, चल बाकी नहीं छोड़ेंगे सत्संग छोड़ देंगे, अगर के कर्ता गुग्गू है गुग्गू। थोड़ी सी परीक्षा होने लगी और मैं कुकड़ों को भरना तेरी पसरिया से कड्ढा तेरा तू फिर ना आखी कुकड़ों को, वह बेचारे बस उनके नाक में धू निकल जाता, उनके कुकड़ों को बोल जाती है। कई कर्ता बड़े अच्छी है, भीगती आएगी कुछ हत्या जी, मैं उनका कहता हूँ भीग गया क्या हो गया जी, सारा दिन झक मारते रह गए, अब महाराज की वाणी के लिए भीगे तो क्या हो गया, कल आपने देखा ही है क्या हो गया जी, तो चक्कर चलते रहेगा, ये तो बनता ही रहेगा, भगवान की वाणी को छोड़े 18वां अध्याय चल रहा है, शाबाश कहीं को तो खास कर ये शौक हुआ पड़ा 18वां अध्याय चल रहा, फिर तो पता नहीं क्या होगा क्या बनेगा, जीते जी क्यों ना सुने, जीते जी मन में रख के क्यों ना आप करें आपका कल्याण कर जाए, वेरी वेरी गुड। तो आइएगा मेरी सरकार, मेरी माताओं मेरी बच्चियों, जरा ध्यान के साथ और बड़ी होशियारी के साथ इसकी गहराई में उतरना है कि कल जो मेरा कर्म करना है, मैंने बड़ी चुस्ती चाचा भगवान ने आपको मोटापना दिया, चाहे आप किसी भी सेहत में, लेकिन सेहत का यहाँ पर सवाल ही नहीं, आपके शरीर हृष्ट पुष्ट है या दुबले पतली है ये तो मन का विषय है, चुस्ती के साथ होशियारी के साथ खूब जुटा हुआ हो, खूब लगा हुआ हो, ये तो करना है, लिलड़ पड़ा नहीं जो है भैंस के कटड़ू की तरह नहीं, देखो दोनों में फर्क देख लो, भैंस का कटड़ू में भी पैदा हुआ है और एक दो घंटे बाद हमारी गैया का बछड़ा ही पैदा हुआ है, गैया के बछड़े में देखो कितना सुंदर और भाग के जाएगा, हो गया भैंस कर आप उठाओ दूध पिलाओ तो जाएगा, और भैंस बछड़ा है वो अपने आप ही ढूंढेगा चश्मे कहाँ है मेरे लिए, चश्मे कहाँ है अपने आप ढूंढ निकाल करके घुटने के बाद पी रहा होता, और कटड़ू कटड़ू जोर फड़ा वह आगे सिर रखा होता है, अब वो माँ बेचारी चट चट के उसमें चुस्त लाती है, उठ उठ आ, बड़ी मुश्किल से उठता है, और वो तो तक पूछ आता है शुभ आगमन सना पड़ोसियों क्या हाल है, मैं भी आ गया, कैसे मुंह मारता पिटता दौड़ तो कितनी चुस्ती है, भगवान करे ऐसे मैं और आप गाय के बछड़े की तरह चुस्त लिल्लड़ ना हो उसकी तरह, भैंस के कटड़ू की तरह ना, कुछ नहीं वो बेचारा पड़ा बस पड़ा, दो आदमी उठाएंगे घर वाले तो उसके पैरों में जान आएगी, वो फिर गिर गया, फिर उठाओ फिर उसको बार बार, तब उसके पैरों में ताकत आती है दूध पीने जाता हूं, अगर पड़ा बस पड़ा ही जान ही कोई उसके अंदर, और गैया का बच्चा कितना चुस्त है, मैं आपको रिश्ता दे रहा हूँ बछड़े को, कितने कितना कितना एक्टिव कितना स्मार्ट कैसे दौड़ा जा रहा है कैसे आया जा रहा है, भगवान कहे ऐसे मैं और आप हो, जो काम ये काम करना है तो नहीं करना छोड़ दो, पड़े करना है जान कुर्बान कर दो, बस करना इसके बिना चारा ही नहीं है, इस देयर इज नो अल्टरनेटिव टू एक्सेप्ट टू बी डन टू बी एग्जीक्यूटेड, एक्सेप्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, जब एग्जीक्यूट करना ही आया तो फिर होशियारी के साथ, नो चिंता एट ऑल नो वरी एट ऑल नो मिजरी एट ऑल, मुझे लग जाना इसके अंदर, ये तो इसके बिना चारा तो है नहीं,
हमने सोच लिया ये तो कर्म है, ये तो अनिवार्य है, अनिवार्य है तो बस खपा दो अपने आप को, शरीर थकता थक जाए कुछ भी हो जाए, ये तो कर्म ही कहीं नहीं सकती आपको, बहुत थक गए भाई ये बात नहीं कह रहा, पहले ये काम आपको मेरे जर्जर शब्द है, पहले हम कर ले फिर बाद में आप थक गए आगे बाद में भी कह लूंगा, लेकिन जो करने के लिए हम कर ले ये सिर चढ़ जाए बाद में कहेंगे थक गए ये हो रहा है पीड़ियां थक गई ये जाएंगे बाद में, पहले सिर चढ़ाओ वरना मन का बड़ा गंदा असर पड़ता है, पहले ही कहने लगे अभी पान तो चढ़ना कोई और चाचा उतरेगा या तो किसी और ने करना हो ना, करना तो हमने फिर कर, कई ऐसी गंदी आदत रखती है पर हमारे में कोई ना हो ऐसी ब्लैक शीट, क्या कर भी रहे पेट भी रहे, मेरे यार मर गई मेरी दिक्कत बनती रहती है मेरे से, तो क्या हो गया छोटी भाई बीमार है, हाँ माँ बेचारी इतनी नहीं कर सकती तो मैं करती रहती है, मेरे क्या जरूरत है ऐसी, अच्छा माँ मेरे मैं कर देती हूँ, काम करना भी सही नलियां बहा के बहा के मुंह में से आप शब्द बोल के क्या फायदा, क्या व्यर्थ की बातें करना है, भूल जाइए कि आप 70 साल के 60 साल के 50 साल के हैं, क्रिया में सालों का प्रश्न नहीं है, क्रिया में तो उत्साह का प्रश्न है, उत्साह का विषय है, उत्साह की बात है, इट इज सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी में क्या, इट इज सब्जेक्ट ऑफ क्या स्मार्टनेस, नॉट ऑफ एज, नॉट ऑफ एनी दिस और दैट, हमने अपनी चुस्ती दिखा दी है क्या करना मैंने ये तो, या तो मैं नहीं करना नहीं लीवर साइड, जब मैं लीवर साइड नहीं कर सकता मैंने करना, वह गाड़ी ये कहती है कर्म काम किसका सफल होगा, कहा एक तो जिसकी नियत शुद्ध है और एक करने वाला चुस्त है होशियार है एक्टिव है स्मार्ट है स्फूर्ति वाला है दक्ष है प्रवीण है, प्रवीण है दक्ष है और स्फूर्ति वाला प्रियदर्शी है, जुट रहा है उम्र आप देखते मेरे ऐसे मुंह में उंगलियां डालते रहते, उम्र कितनी है और काम में कितनी चुस्ती है, कई सेवादारों को मैं देखता हूँ कई भरे जोबन के अंदर बस कुछ ना कुछ मेरे से, और कईयों का इतने बुजुर्गी भी है लेकिन जुटे जा रहे हैं, ये मौके कहाँ मिलेंगे जी भगवान के नाम पे काम करने में, कहाँ जुटे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं, वाह कईयों की धोती ढीली भी होती जा रही है फिर भी हाथ कर करा करके लगे जा रहे हैं जुटे जा रहे हैं, आहा आहा मैं, जब मैं प्रसन्न हूं तो मेरे रब भी प्रसन्न होते होंगे, हाँ इतनी नहीं है उत्साह ज्यादा है, शरीर की इतनी सेहत नहीं है पर मन में उत्साह ज्यादा है और डुल डुल के बह रहा है डुल डुल के बह रहा है, ये भगवान ऐसे करता जाती है ऐसे करता है, शाबाश भड़ोलो हमारी ऐसो में नाम लिखवाएगी, भगवान ने दे दिया शरीर ठीक है ही भड़ोलो पर जरा सेवा में परमात्मा कसम कमाल कर देती है, जुट रहेंगे लग रहेंगे पढ़ रहेंगे, जवानों को भी मात कर देती है कि आपने उठाया फटाफट करना है जुटना है लगना है, ऐसे जुटने वाले लगने वाले शाबाश करता, या तो हमका ये करने नहीं हमने ये बात बिठा लेना अपने मन के अंदर, अनेक भूल कर रहे मेरे बच्चे कई घर के अंदर रोते रहेंगे पिटते रहेंगे भैंस के कटलू की तरह कर भी रहे हैं रो भी रहेंगे, क्या फायदा क्यों ना से प्यारे फटाफट क्यों ना कर दे, अम्मा ये काम चढ़ गया हाँ अब मैं पढ़ाई करूं, शाबाश पुत्र ये काम तो 2 घंटे का था, अम्मा मैंने तेरा काम कर दिया अब मैं पढ़ाई भी कर, वो बहुत अच्छे मेरी बेटी बहुत अच्छे, अगर लीलड़ होती तो करती रहती 2.5 से 3 घंटे फटाफट मुका लिया फटाफट कर लिया ये कर लिया ये बहुत अच्छे बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये करने में करके दिखा दिया बस, कोई भगवान करे हमें सुस्ती छुए भी, मैं तो आपके हक में बड़ी दुआएं किया करता हूँ प्रभु यहाँ आने वालों के लिए आपके दरबार में हाजिर देने सुस्ती ना छुए, क्योंकि सुस्ती छुएगी तो प्रातः काल कैसे उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में हाजिरी कौन देगा, काश मैं आपके लिए देता रहता तो बड़ी अच्छी बात, पर भगवान को मेरी मेरी हाजिरी लगवाती है ना आपके लिए हाजिर आते, वहां प्रॉक्सी का काम नहीं है कि आप ना आए और मैं आपकी जगह रोल नंबर बोल दूं, ये भगवान के दरबार में ऐसा खोटा पैसा नहीं चलता, ये कॉलेजों स्कूलों में तो चल जाता है क्या, बेटी मेरी घर में बैठी है माँ के पास और उसका रोल नंबर दूसरी बोलती जा रही है 15, 16, 17 यस यस मैडम यस यस ओ है कोई यस सर बोली चलो बोली चलो, लेकिन भगवान के दरबार में तो ऐसा हो नहीं सकता है, वहां तो खुद जुटना पड़ता, जो आदमी चुस्त नहीं होगा जो इतना होशियार नहीं होगा ब्रह्म मुहूर्त तो नहीं उठ सकता, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा कसम उठेंगे वही जिनमें आग लगी हुई है जिनमें अपने कल्याण की विशेष प्रकार की हुक है कि मैं तो अपना कल्याण करके जाना कब वक्त में जिस वे दैट वे आई मस्ट आ जाती है, ये भगवान ने कहा अरे पापी दुराचारी को भी महात्मा कह दो, क्योंकि इरादे में नेकी के यक्षु है जो भगवान ने कहा वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा करार और सुकून दाई नहीं पाएगा, वो बड़ी जल्दी महात्मा बने, तुझे पक्का इरादा कर लिया कि मार मिटूंगा लेकिन मैं कर मिटूंगा, ऋषियों के मुख से शब्द निकला हुआ है कार्यम व साध्यामी शरीर व पाप्यामी, इसके तो आप नहीं जानते पर मैं क्या करूं,
ये ऋषियों के मुख से निकले हुए कार्यों वा साध जामी, या तो मैं कार्य करके छोड़ूंगा शरीर वा पातम, या शरीर को छोड़ दूंगा जैसे पुराने कपड़े को उतार के मारता है। याद रखना तो जो भी चीज को थोड़ी सी जानती है, कार्यों वा साध्यामी शरीरम वा पात्यामी, कार्यों वा साध्यामी, या तो इस कार्य को मैं साध दूंगा हाँ या शरीरम वा पात्यामी। वो हमारे यहाँ कहावत है तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता, जो तू है बहादुर समझ ले यही भारत की आवाज, भारत की आवाज, जो तू है बहादुर समझ ले यही कहे तख्त या तख्ता मंजिल मेरी, जो तू है बहादुर समझ ले यही कहे तख्त या तख्ता मंजिल मेरी। या तो चार भाई मुझे तख्ते को उठा के शमशान की ओर ले जाएंगे, और या परमात्मा मेरे से प्यार करेंगे अपने सिंहासन में बिठाएंगे, यानी मैं जुट जाऊंगा लग जाऊंगा बैठी है तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे या मसले कर्म होगा या मर्ग। जो अच्छे करता होते हैं उनके उद्धार ये हुआ करते हैं, जो चुस्त करता होते हैं देवी उनके उद्धार ये होती है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता, ऐसी कौन सी चीड़ी गांठ है जिसको हम खोलने पे आ जाए और खुल न जाए। बड़े अच्छे भाव, बड़े अच्छे भाव, हिम्मत करे इंसान तो क्या, पूला करो अपने मन में, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता। दूसरी ओर कभी लानत मारता है, क्या 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 है, बहुत अच्छे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, बड़े प्यारे सर मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने बड़ा लाभ उठाया कवियों के ऐसे उद्गारों से, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अरे मुर्दा दिल क्या खाक किया करती है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करती है, मुर्दा दिल बस मर्दगी वाले रंग उनकी कोई खाक जिंदगी, अगर भगवान ने ना जादू डाला होता और ज्ञान ना दिया होता तो अर्जुन तो बस कह चुका था चुप हो गया वो हजी, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता भगोड़ा बन गया था, भगोड़ा बिल्कुल ही भगोड़ा कि बस मेरे से नहीं होता मैं नहीं करता, माने वो ज्ञान फूका कि उसके मुख से कहला दिया पता चल गया चले मजबूत अब सजाऊंगा आपके हुक्म सब, कमाल कर दिया कमाल कर दिया। और देश को लेकर सचमुच हम बचपन सुनते आ रहे हैं, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले और ज्ञान को जो गिरे हुए को अर्थ कर है, जो गिरे पड़ेंगे इस सर जमीन पर हाँ गीता उन्हें उठा के फलक पे बिठाती है, गीता जो गिरे पड़ी है इस सरजमी पर उन्हें फलक पे उठा के बिठाती है गीता। बिल्कुल ही जो पसमर्दगी में है, बिल्कुल डिजेक्टेड है, बड़े उदास हताश एवं निराश है, भगवान को देश एक नई रूप फूंक देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर डाला ऐ कृष्ण तेरी वाणी, मुर्दों को जिंदा बिल्कुल ठीक है, ये नहीं मुर्दा आत्मा निकल गई हो, नहीं जो बिल्कुल डाउन है उदास रहती है हाँ मुसीबतों में अपने आप को कहते मैं मर गया, वो भी मुर्दा ही है, जिनमें चुस्ती नहीं वो मुर्दा है, और जिनमें चुस्ती है शाबाश वो जवानों को भी मात करते जा रहे हैं, कमाल है कमाल है कमाल है, कहना ना होगा कहना ना होगा, जरा भटनागर जी को देखा करें, मैं कोई पंपिंग नहीं कर रहा सच्चाई की बात कह रहा हूँ आपकी कसम, हमारे एक नमूना है भटनागर जी का, उम्र में 80 के नजदीक पहुंच चुके होंगे और जरा इनकी चाल देखो जरा इनके ढाल देखो और खासकर इनके लटकते हुए थैले देखो, आपको प्रेरणा मिलती होगी कि हाँ भगवान भी क्या कमाल करती है, नमूना सा गोया तैयार कर दिया, भगवान की शब्द हमारे चरतार्थ गजब गायक का, हमारे यहाँ तो जिंदा दृष्टांत है, मैं बार बार जा रहा हूँ दिल्ली कलकत्ते जा रहा हूँ, हमारे यहाँ जिंदा दृष्टांत है, अपनी उम्र से ज्यादा सच्चाई की बात कह रहे हैं, पढ़ा के नहीं कर रहा, इस वक्त वो मेरे अजीज है मैं उनके पिता समान हूँ, उम्र का कोई तकाजा नहीं, व्यास गद्दी पे बैठा हूँ, कमाल कर गए जुटने में लगने में अपनी सफुर्ती में अपने आने में जाने में अपने प्रातःकाल उठ के स्नान करने में, वाह उम्र क्या लगे, जरा देखो ना चबाड़ा कहाँ जा रहा है और शरीर की हड्डियां कहाँ जा रही है, लेकिन चुस्ती में नंबर वन, मेरे जैसे वो भी उंगलियां डाल के हैरानगी से देखते रहते हैं, वाह कभी ना भूलेंगे भटनागर आपके ये लटकते थैले, कभी आप भूल सकते हैं इनके लटकते थैले, और ये है करता है जुटना है लगना है बढ़ना है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए सुन लो, लेकिन हम ये गुण अपने में रख ले, ये गुण इनमें है हम ले लें, उम्र क्या लगे और चुस्ती क्या लगे,
इतना आना जाना, सर्दी भी देखो कैसी आती है, कैसे सर्दी को समझते हैं ये सर्दी है, ये समझते हैं कि मेरी इतनी बड़ी उम्र है, कमाल है। आहा, ये ऐसे करता। अब भगवान भी खुश, जब हम खुश हो रही है तो भगवान भी खुश होते, इनके मुकाबले में उल्ट हमारे भगवान जी ने बुला लिया। हमारे राममूर्ति जी थे वो बिल्कुल भैंस के कटड़ू थे, वो आप जानते हैं नमूने तो हर प्रकार के नमूने हमारे पास थे, हाय वो नमूना रब ने छीन लिया। अब ये देखो गैया के बछड़े, गैया के बछड़े की तरह भागना दौड़ना आना जाना, शहर में जा रहा हूँ कहीं जा रहा हूँ, कभी मैं देख रहा हूँ सेवा करवा रहा हूँ, बटागा जी नमस्कार, कहाँ जा रहे, मिट्टी का तेल खत्म है, मैं अभी ला के आ रहा हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ, जैसे इनके पास हेलीकॉप्टर बिल्कुल शरीर हेलीकॉप्टर की तरह फटाफट जाएगा, ले आएंगे भागेंगे, इधर इनकी चाल देखिए भागते जा रही है, ला रही है, कर रही, वाह वैसे जवान भी नहीं करते, उनको भी सुस्ती आ जाती है। और ये कमाल है, ये बच्चे ऐसे करता, ऐसे भी नहीं करता जो जुटने वाले हो लगने वाले हो, अपने मन में रख लो ये कहीं में कमजोरी है, ये भगवान का फरमान है, मैं तो आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हमारे लॉर्ड कृष्ण अपने श्री रूप से बता रही है कि मुझे वो जीव अच्छे लगते हैं या वो काम जिन्होंने शुरू किया सिरे चढ़ा लेंगे, कौन जो के अच्छे करता है, जो एक्टिव है, स्मार्ट है, सक्रिय है, जिनमें स्फूर्ति है, जो दक्ष है, प्रवीण है, उनकी चालें और है, उनके अंग भी और प्रकार के हैं, वो जुटने वाले लगने वाले खूब अपने को प्रकट करेंगे तो कैसे विचार, उनके विचार कैसे निकलते हैं, उनसे बयानगी कैसी होती है, मैं तो कई उनके तर्ज बयानगी देखता रह जाता हूँ, वाह उम्र क्या है तर्ज बयानगी, बच्चे तर्ज बयानगी अर्थात बोलने की शैली, शैली बोली अपनी भाषा में बोलने की शैली कैसी सुंदर, उम्र और कैसे अच्छी बोलती है, और कई आपको मुझे समझा ही नहीं सकते, अपने आप को प्रकट ही नहीं कर सकते, बस यूं ही कहते रहे गोया के गोया के गोया के गोया के, और गोया के जैसे के पुराने रिकॉर्ड पर पुरानी सुई रिस्ट गए सुई जैसे अड़ जाती है रिकॉर्ड के ऊपर, कहीं तो बेचारे अड़े ही पड़े, और कोई चुस्त, आओ हम सारे चुस्त बने, के मनवा ये चुस्त अपने वेदों में एक ऋचा आती है नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्या, अब ये कमाल के भगवान ने कहा अपने वेदों के अंदर ये बिटिया के परमात्मा का दीदार हाँ बल ही नहीं उस दोनों से प्राप्त नहीं होता, ये अपने वेद का फरमान है किसी और का नहीं, ना अयम आत्मा बल हीनेन लभ्या, परमात्मा के दर्शन क्या लीलों से या उस दिलों से हाँ नहीं प्राप्त होते, जो कायर पुरुष है उनसे प्राप्त नहीं होते, जो डरपोक है उनसे प्राप्त नहीं होते, वो नहीं करेंगे, वो इस मार्ग में आज भी गिरे तो कल भी वो नहीं गिरे, वो नहीं चर्चा चलेंगे, जो कायर है जो चुस्त है वो तो निकल जाएंगे, नाना प्रकार की मुसीबतों पर हावी भी आ जाएंगे, चुस्त होशियार, जब परमात्मा मेरे साथ है फिर मुझे क्या है, जब मालिक मेरे साथ है फिर मुझे क्या है, लेकिन जो कायर है वो कुछ के याद रखेंगे, बच्चे कितना अच्छा कहा ना, कावड़ आदमी यानी डरपोक आदमी मरने से पहले कई बार मरता, मरने से पहले कई बार मरता, कावड़ डाइज मेनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ, यानी जो रियल डेथ या नेचुरल डेथ तो बाद में होगी, पहले वो कई बार पता नहीं क्या बन जाने वाला है, पता नहीं मेरी पत्नी बीमार रहती है, पता नहीं क्या होगा, ये मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरी नौकरी में रिटेंचमेंट में नहीं आ जाऊंगा, ये नौकरी से अलग तो नहीं हो जाऊंगा, ये मुझे बुखार रहता है, कहीं टाइफाइड तो नहीं बन जाएगा, अगर टाइफाइड हो गया तो मेरे बनेगा क्या, कवर टाइम मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, मरने से पहले कई बार मरते रहते हैं, ये डरना ये कांपना ये घबराना रात की नींद हराम हो जाना ब्लड प्रेशर का जो है बीपी बीपी का बढ़ जाना है और घबराती रहना और बार बार कहना जी मुझे नींद नहीं आती मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, क्या समझते तुझे क्या हो रहा है, ये सांप लौट रहे हैं छाती के ऊपर, सांप लौट रहे हैं, घर भी रोती रहेंगे घर वाले भी रोते रहेंगे, ऐसे लीलर नहीं अच्छे होते, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, आइएगा हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम अपना परलोक परलोक दोनों बना के जाना चाहते हैं, हमें तो बड़ी चुस्ती चाहिए बड़ी होशियारी चाहिए, हमारा तो रग रग ये पुकार उठे, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, मैं लोक भी बना के जाऊंगा परलोक भी बना के जाऊंगा, शाबाश, हम निराशा भरे शब्द कभी नहीं सुनेंगे ना बोलेंगे ना सुनेंगे, हम ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे पेसिमिस्टिक नहीं, आशावादी बनेंगे निराशावादी, जिंदाबाद आशावादी, जो है आशावादी जिंदाबाद, निराशावादी मुर्दाबाद, क्या कर सकते हैं हम, क्या करें, ये ऐसे गंदे इंसान है जो खुद भी अपने साइकोलॉजिकली बैड इफेक्ट डाल रही है और दूसरों पर भी बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से गंदा प्रभाव, हिम्मत पे आप हिम्मत करने पे आ जाते, क्यों नहीं हो सकता, मैं हिम्मत करूंगा भगवान से प्रार्थना करूंगा, और जब ये अटल नियम है गॉड हेल्प दोज हु हैव देमसेल्व्स तो फिर तो बात बन गई, क्या क्या मेरे बच्चे क्या 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 क्या, हिम्मत का हामी खुदा,
हिम्मत का हामी खुदा है। बड़े प्यारे शब्द है। परमात्मा किन की सहायता करती है? हाय गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उनकी सहायता किया करती है जो अपनी सहायता के लिए खून पसीना एक कर देते। बोला करो सरकार, बोला करो मेरी बिटिया, बोला कर। अगर कुछ प्राप्त करना है, भगवान के निकट पहुंचना है, तो बोला करो कि वो ही सब कुछ कर दिखाती है कि मैं चुस्त हूं। शर लीलड़े ने क्या करना है? लीलड़ क्या बोलू अगे बाबा? तो जो तेरी मर्जी बोल दे, बोल दू लीलड़। हाँ बाबा बोल दे लीलड़। हाँ आम के छिल्लर, बिल्कुल आम के छिल्लर है। और कैसा आम जो चूसा हुआ हो और पड़ा हुआ कहा हो गोबर के पास, लिल्लड़ आम के छिल्लर। कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। तो भगवान करे ऐसा कोई लिल्लड़ आपके घर में बेटा भी ना पैदा हो। लिल्लड़ रख करे जवाई कोई ना आए। लिल्लड़ जवाई अच्छे नहीं होते। जो भी कोई बात हो तो कंधा मारे, तू बोल तू बोल। मैंने दो तीन चार अपनी जिंदगी में देखी है, श्रीमती भी बुलवाते मेरे से कोई बात पूछने आएंगे ना तो कंधा मारते हैं, तू बोल। तो मैं उनको जान, बेटी तो चुप कर, ये कौन है? मेरे श्रीमान जी। तो श्रीमान जी आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलो ना, ये बताएगी आप, ये बताएगी, ये आपकी वकील है। मैं तो इतना आसाता हूँ कि यार तू तो कमाल बन गया। फिर तू श्रीमती बन जाता और ये श्रीमान बन जाती, तो श्रीमती बन जाता। यार बोल, ये बताएगी आप, फिर ये बताएगी। जब मैं तुझे कहता हूँ तू बोलना, तू क्यों नहीं बोलता? हर काम में श्रीमती को साथ ले जाएंगे, शाबाश। हर काम में ये जरा बोल सकती है और मुझे, मैं एवरी डे संडे हूँ, मैं क्लोज डे हूँ। ऐसे आदमी नहीं अच्छे होते जो औरत को लिए फिर सब तू बोलना तू बोलना। जैसे औरत अनोई के उनके वो क्या हो गए, उनके जो होती है वो राइटर, वो उनके राइटर हो गए। हाँ उनके राइटर होती है, रखे होती है विशेष पीएडीए पत्रिका बनाकर। ऐसा नहीं अच्छा होता। हम लोग जो अपना लोक परम आते, चुस्त होशियार एक्टिव, अपने स्फूर्ति वाले, अपने मन में बड़ी उमंग हो, भगवान मेरे साथ है, मेरी नीयत साफ है, महाराज जी मेरे साथ है, मैं कर गुजरूंगा। आखिर मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन देने आज नाते, ये आशावादियों की शब्द होती है। आखिर मेरे भगवान ने मुझे अपनाना आज नाते कल सही। आखिर मेरा मन निर्मल हो जाना आज नाते कल सही। आखिर मैं उनमें एक में हो जाऊंगी या हो जाऊंगा आज नाते कल सही। कोई बात नहीं, आज मेरा मन नहीं पूरा एकाग्र, कोई बात नहीं, कल तो हो जाएगा। कल भी आया पूरा ना सही, कल तो हो जाएगा। अरे कल तो होने वाला है। जैसे चलाक दुकानदार अपनी दुकान पर साइन बोर्ड लगा देते हैं, आज नकद कल उधार। काम अकल वाले कहते हैं अच्छा यार कल आओ, आज तो ये नकद कह रहा कल आओ। कल वो अपने थैले दो तीन लेके आता, सरकार अब वो आगे आता, राम राम भाई आज नकद कल उधार जर टुटे मुंह आता। मैं रोज आऊंगा तो यही पढ़ाऊंगा, हाय आज नकद कल उधार। इसका मतलब कल आने की कोई नहीं, जब भी आवांगे तो आज बन के आएगा ना आज नकद। अपने मन को कह दे ओ लीला ओए ओ ओ, आज चुस्ती तो कल सुस्ती, आज चुस्ती आज तो चुस्त हो जाए सुस्त कल हो जाए। तो कल तो आने की कोई, जब भी आएगा आज ही आएगा। चलाक दुकानदार है जो ये साइन बोर्ड लगाते हैं आज नकद कल उधार, तो कल तो आने की कोई ना, सवेरे आवागे आज ही बनेगा, परसों आवा तो वो भी आज बनेगा, शाबाश। हम भी अपने मन को समझा दे मनवा तेरी बड़ी हिम्मत है, हाँ अपना लोक लोक बना के जा। भगवान ने तुझे अवसर दिया, कोई बताने वाला है, गीता का चोटी का पैगाम है, भगवान जी की विशेष शक्ति हमारे साथ है। चूंकि ये बहुत अच्छा कहा, हिम्मत का हामी खुदा है, हिम्मत का हामी खुदा है, हिम्मत का हामी खुदा। जब हिम्मत में करने वाले तो परमात्मा उनकी तरफदारी करते, हम नहीं स्वस्थ बनेंगे। जाप के वक्त जब सर्दियां चलती हैं, बहारें चलती हैं, जो मर्जी चलता है, फुंजा हो तो चला हो जाए, कोई फ्लू फ्लू हो यानी फुंजा हो, आप अपने कर्तव्य करते जाओ। ये थोड़ा कि ये करना ही है, ये बनाना ही है, या भगवान ने हमें मौका दिया, इन्फ्लुएंजा तुम अपना काम करते रहो, फ्लू तुम अपना काम करते रहो, लेकिन हम तो हैं बस जीतने वाले, लगने वाले, मरने वाले, परमात्मा के नाम पर उनके अनमोल कथन के अनुसार अपने आप को लगाने वाले। किंतु मैं नारी हूं, किस बात की नारी है, किस बात की नारी? कमाने में तू बड़ी हुई है, शॉपिंग चीजें खरीदने में तू बड़ी हुई है, हर काम में तो आप पेश पेश है, हर काम में आप आगे आगे जा रही है। इधर भी आइए, विशेष विशेष नारियां भगवान यहाँ भेज रही हैं, जिनको ये पाठ कान में भगवान जी पक्का करा के भेजती हैं। क्या हो गया तो नारी है, मुझे आसरा जब बनाएगी तू तो आला मनाजल को जाएगी। नमाज़ खोलो, आखिर में आपके लिए भगवान ने विशेष कहा, क्या हो गया अगर तू नारी हुई तो क्या, मुझे आसरा जब बनाएगी तू तो आला मनाजल को जाए। भगवान ने कितना प्यार से आपको एक परम पिता के नाते से कहा कि जीवन का उद्देश्य तू मुझे बना और जुट जा लग जा, भगवान आपके साथ थे है और सदा रहेंगे, हमको भी सुस्त न हुआ करें।
हाँ बुखार भी चले कोई कोई बात नहीं, हाँ उतर ही आएगा। माँ दी धीया बार 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 थर्मामीटर लगाती रहती है, हमारे काट पर एक बार थर्मामीटर लगा लिया, हमें क्या बड़ी 102 हो गया तो हो गया, 102 हो गया तो क्या हो, कोई बात नहीं 102 तो होता ही रहता है। अभी हुआ थोड़ी देर बाद पसीना उतरेगा, चल पसीना आएगा उतर जाएगा, 102 हो गया 102 हो गया। ना थर्मामीटर लगाता है, चुस्त थे बातें में आ रहे थे, किसी का 102 102 हो गया, 102 हो गया बुखार, 102 हो गया मैंने बुखार, 102 हो गया पता नहीं 102 पता नहीं क्या होता जा रहा है, बुखार 102 हो गया, 102 था बुखार। इतना गंदा असर पड़ता है परमात्मा का साथ, एक थर्मामीटर है कि पता नहीं क्या मीटर है, बहुत मैं कसम खा के कह रहा हूँ बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है। 102 हो गए, 102 नहीं अम्मा बुखार 102 हो गए, बालक पहले कुछ पहले अच्छी बातें कर रही थी, ठीक है कोई नहीं, जब थर्मामीटर लगाया और 102 हो गया, वो थर्मामीटर ना हो वो सपनी आ गई मुंह के अंदर, वो पत्नी का असर मनोविज्ञानिक कितना गंदा प्रभाव पड़ता है ना हमारे करना पड़े, वो क्या हो गया। अगर जब भी ऐसा कुछ हुआ करो तो भगवान की ये चमत्कार काम आएंगे, कैफियत आनी चाहिए जी, सहजा कुछ देके फोन के छूटा जा एक थर्मामीटर हमारे उत्साह को घटा गया, 102 हो गया, 102 मार दे 102 हो जाए, और उधर भगवान का फरमान थर्मामीटर बढ़ा गया, दूर ना फरमान बढ़ा है, थर्मामीटर बढ़ा कि भगवान का फरमान बढ़ा, भगवान का फरमान बढ़ा, कैफियत आनी जानी है ये सहेजा खुशी से के। हमारे सरकार हमारे मन के राजा तो ये फरमाते हैं, अगर ये दिन आते वो तो आते ही है, सब दिन होते एक समान, कभी कुछ कभी कुछ होता रहेगा, लेकिन हमारी हिम्मत क्या भगवान करे, करता चुस्त हो, करता उशार हो, करता सक्रिय हो, करता में जलाल हो, करता में हलचल हो, सवा करता के सीने की और छाती में ये बैठी हुई बात, ओ इवन दिस पास अवे, ओ माय व्हाई यू बी, ओ दिस एटमॉस्फियर वोंट स्टे, इवन दिस विल पास अवे, क्या हो गया। अगर ये ऐसा हो भी गया तो हर चीज तो भागी जा रही दौड़ी जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आपके बड़े काम आएगा, जब तक मैं और आप भगवान की जात में समान जाते भगवान का फरमान हमारी पग पग पे ये रक्षा कर रहा है और करेगा, आप कैफियत आनी जानी है ये सहेजा, ऐसे समझा करो जैसे भगवान पीठ ठोक रहे हैं, ऐसे समझा करो मेरी देवी भगवती के भगवान पीठ ठोक के मुझे समझा बता रहे हैं, क्या कैफियत आनी जानी है ये सहेजा खुशी से के, खानी है ये वो इंसान असर जिसपे इनका नहीं, हजूर भी कमाल कर रहे हैं, इनाम भी क्या दे रही है, वो इंसान असर जिसपे इनका नहीं, खुशी से जो खुश होना गम से अजी सुनते में कायम दर उसका मदाम उसी की ये शाया हयाते जवाब, और जब वो मुक्ति के यहाँ तक भगवान का हयाते जवाब अर्थात मुक्ति, वो मुक्ति के काबल है जिन पर इन बातों का इन द्वंद्वों का असर नहीं, भगवान के लिए ऐरा गरा नथु कह रहा नहीं कह रहे, कोई छोटा मोटा नहीं कह रहा पुत्र, नारायण बताते खुद कह रही है कि जिन पे इनका असर नहीं होता हाँ वो मुक्ति के काबल है, बड़ा खतर का फरमान है, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, मैं दूसरे अध्याय के अनुसार बोल रहा हूं, खुशी से जो खुश हो ना गम से हसी सुनर्जा ने कायम दिल उसका मदाम उसी की ये शायद हयाती जवाब, वेरी 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 प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट, ये हमें गिरने नहीं देगा, भगवान का फरमान हमें संभाल लेगा, जीता रहे वो जिसने यूं कह के हमारे में हौसला अफजाई की है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, ए बिटिया नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले सर, जब वो गिरते को थाम ले मजा तो ये है, हम उसकी बड़ी सराहना करते, एक भाई धड़ाम से गिरा, एक भागा गया उठाया छाती से लगाया मल्ले लगे शाबाश शाबाश शाबाश, सारे कहते शाबाश तो बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, मजा तो तब है गिरते को थाम ले सर, भगवान का ऐसे बोल अपने मन में रखें, जब गिर रहे हो मन हमारा डाउन जा रहा हो निरुत्साह निरुत्साह होता जा रहा हो उत्साह हमारा घट रहा फौरन उठा ले, और क्या कोई बात नहीं महाराज जी तेरे साथ है, हजूर तेरे अंग संग है, खुद ही कहा मैं आत्मा हूं बिल जकीन जो है जानदारों के दिल में मकीन, फिर साथ कह रही गई तो कैफियत आनी जानी है ये, क्या फलू हो गया तो क्या फलाना हो गया तो क्या 102 चढ़ गया तो क्या क्या हो गया पैर मेरे गिरते पैर वो क्या हो गया फिर ठीक हो जाएगा अभी ठीक हो जाएंगे हम तुम्हारे साथ है अभी आपके पैरों को मल देती है अभी कुछ दवाई लगती है क्या हो गया आए मालिक आपके साथ है भगवान कृष्ण जी का नाम लो हरे कृष्ण जपो ना बेटी में बड़ी ताकत है बड़ी शक्ति है भगवान के नाम के अंदर जपो ना ले यू कह देना चाहिए क्योंकि भगवान कहती है काम किसका सिरे चढ़ने वाला है जो होशियार करता है जो सफुर्ती वाला है जो जिंदा दिल है जिंदा दिल फिर मैं कहना चाहता हूं जिंदगी जिंदा दिली का जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल क्या खाक किया करते बस मुर्दगी वाले मुर्दा दिल
जब भी बोलेंगे बस उठ बोले सीत जाल दा मुश्क अस, ऐसे को इंसान है खोती है खोते। जब भी बोलेंगे निराशा भरे शब्द बोलेंगे, ऐसे को दोस्त मत बनाओ, ऐसे को सहेली मत बनाओ जो निराशा भरे शब्द बोलती रहती है। वो बड़ा गंदा प्रभाव आप पे डाल रही है, वो थर्मामीटर है जो हमें डरा देती है, थर्मामीटर हमें डरा देती है। जो ऐसे बिल्कुल बोलो मेरे बच्चे कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारे साथ है। अगर आपकी सहेली ने ऐसे शब्द कह भी दिए उनमें हारे मत मिलाओ, काट दो उन शब्दों को। क्या तू कैसी बातें है, जब भगवान हमारे साथ है, हमें साधना करवा रही है, हमें सत्संग बख्शा हुआ है और किसी भगवान के भक्त की ईश्वर भावना है हमारे साथ है। फिर क्या वाह वाह फिर क्या ऐसे ऐसे साथ ऐसे को भगवान करता करते शाबाश, ये बहुत अच्छा करता है। जो एटमोसफियर का या वातावरण का या एनवायरमेंट का डट के मुकाबला करता है, डट के हम देखते भी है। कुत्ते के सामने डट जाओ तो कुत्ता घबरा जाता है, और कुत्ते के सामने घबरा जाए कुत्ता टांग पकड़ता है, आपकी बोटियां खींच के ले जाता है प्रत्यक्ष रूप में, अगर डर वो डर जाएगा। या कुत्ता कहता है भाई या डरा दे या डर जा, एक बात है या डरा दे या डर जा, या तो डट जाओ बस, दुनिया के साथ दुनिया के नाना प्रकार के डट जाओ, जो कहते हो कह। मुसाफर तो पुल से गुजरते रहे जो कुत्ते भाव भाव करते, वो तो करते रहे दुनिया वाले तो करते, दुनिया वाले तो ना अच्छे में खुश होती है ना बुरे में खुश होती है, वो तो दोनों हालत में दुनिया यार दो रंगी रे बाबा, दुनिया यार दो रंगी, ये दुनिया दो रंगी है, आहा दुनिया यार दो रंगी है बाबा, दुनिया यार दो रंगी, बहुत बोली तो दुनिया कहती बड़े बड़े बहुती करता है। बेटी जरा आना दुनिया कैसी है, प्रवाह क्यों करें इनकी, बहुत बोलो तो दुनिया कहती बड़बड़ बहुती करता है, चुप रहो तो नाम सुदाई हर कोई मुंडा धरदा, बहुता बोलू तो दुनिया कहती बड़बड़ बोती करता है, चुप रहो तो नाम सुदाई हर कोई ओंदा धरदा है। हाँ हाँ चंगा पहलू तो दुनिया कहती बड़ा ये हंकारी है, होन मेले फटकारे हर कोई ना कोई कोल बिठांदा है, दुनिया यार दुरंगी है बाबा, दुनिया यार दुरंगी है बाबा, दुनिया यार दुरंगी है बाबा, दुनिया यार, ये तो दुरंगी है। मैले अच्छे पहने हुए तो बड़ा हंकारी है, मैले पहने तो दिल पटन जा 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 कुछ भी कोई बिठाने को तैयार नहीं है। आपने डट के रहो, दुनिया को आज तक कोई खुश करके नहीं गया, दुनिया बनाने वाले को खुश करके अनेक गए पर दुनिया को खुश करके एक भी नहीं गया। हाय दुनिया बनाने वाले रब ने तो खुश कर गए पर दुनिया दुनिया को कोई खुश नहीं कर गई। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार छमी ने जाने मुझे याद नहीं आ रहा क्या काम था तो मैंने टेलीफोन किया, भूल नहीं सकता, तो श्रीमती ने उठाया, घरमन को टेलीफोन कर श्रीमती ने उठाया, पहचान गई, नमस्कार नमस्कार देवी, मैं भगवान दास से मिलने जाता था, बड़ी बड़ी मुस्कुरा के बोली, बड़े अच्छी याद है क्या, देखिए माफ करना, देखिए जी वीर जी माफ करना, टेलीफोन से आवाज आ रही, हाँ जी क्या बात होगी बेटी, क्या बात, माफ करना भगवान का मिलना तो आसान है पर मेरे भगवान दास का मिलना बड़ा मुश्किल है। सीधे शब्द सीधे, मैं 100 जन्म लू तो भी नहीं भूल सकता, भगवान का मिलना तो बड़ा आसान जी पर साधे भगवान दास का मिलना बड़ा मुश्किल है। कभी कोई घसीटे ले जा रहा है, कभी कोई मिलाई जा रहा है, कभी कोई मिलाई जा रहा है, कभी कोई मिलाई जा रहा है। अच्छा देवी बस मुझे ऐसा ही हो गया जैसे भगवान दास को मिल गया, कि तुसी ये भगवान को मिलना तुम्हारे वास्ते आसान है पर साडे भगवान दास को मिलना बड़ा मुश्किल। बहुत अच्छे बिल्कुल ठीक है, दुनिया आना तो बहुत 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 आसान बहुत आसान बहुत, आओ उत्साह दिखाए मेरी बेटी जारी चोला है, मैं आपके साथ मेरी गुरु की शिजात के साथ, मेरे भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ, गीता जी की इतने चोटी के शब्द हमारे साथ, हम क्यों नीचे जाए, हम क्यों नीचे गिरे, हाय हाय हम क्यों हो, हम क्यों निरुत्साह हो। गीता का एक एक बोल अंगारा है जो संस्कारों और विकारों को सार के रख देता, हम क्यों ऐसे हो। कभी आपने मुझे देखा, चाहे मेरी कितनी भी उम्र होगी जाए, कभी भी आपने मुझे देखा जुटा हुआ हो, लगा हुआ हो, जितना मेरा मेरे से वास्ता चलता है लगे रहे जुटे रहे, दर्दी होती है ऊपर जाके कर लेता हूँ, आप जुटे रहो जो करना करना, एक बात मेरी तेरे मन में बिठा लो, काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार है तकलीफ की, आराम करना है ना करना, सिर चढ़ाएंगे और शरीर अपने आप भगवान ताकत देगा, कि अपने नाम पर थोड़ा कर रही है या अपने स्वार्थ को पूरा करने थोड़ा कर लेंगे, मालिक के लिए कर रहे हैं, अपने आप भगवान शक्ति देगा। शुक्र ने वचन दे रखा है, क्या 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 करूं हाजते उनकी, और मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, हम उनकी हिफाजत में हैं, उनके नाम पे कर रही हैं तो हमारे साथ ही तो हैं, वो कहीं दूर थोड़े हमारे साथ है, भगवान वही है जहाँ भगवान का नाम है और भगवान का काम है, याद रखना भगवान कहाँ है, जहाँ भगवान का नाम और भगवान का काम, जहाँ भगवान का नाम जहाँ भगवान का काम वही मेरे भगवान। आह 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 तो मेरे महाराज जी ने क्या कहा,
उनके काम सिरे चढ़ा करती है किनके, जिनकी भावना शुद्ध है, वेरी गुड। उनके काम सिरा चढ़ा करती है किनके, जो कर्म करने वाले चुस्त है, जिंदा दिल है, हाँ बड़े उत्साह वाले है। गैया के जो है वो बछड़े की तरह चुस्त और हुशार और कुड़ारियां मारने वाले फाड़ने वाले के, ऐसे भगवान कहते शब्बार, ऐसे काम सिरे चढ़ा, सुस्त वजूद के नहीं, पसमुर्दगी वालों के नहीं, हाँ उतरे हुए चेहरे वालों के नहीं। जब भी देखो चेहरे पे मलाल ही मलाल, कहीं गंदा स्वभाव बना रखे, शिकवे गिले शिकायत, मर गए आज को लोगों ने बांट भी नहीं थोड़े, फिर मर गया दुख बांट लेंगे, ऐसे करने से क्या मिलता आपको, मर गया जी, तंगी है जी, बड़ी है जी, घर वाला बड़ा चंद्रा मिले है जी, घर वाली जी मेरी अच्छी नहीं मिली, भाई ये तो होना बता, कोई एक्सचेंज सौदे तो सौदे आप एक्सचेंज कर लीजिए, घर वाली बटा लिए किसी और की ले रही है, या अपना पति बटा लिए, वो तो बात बननी कोई नहीं, ये तो भारत है, इंग्लैंड तो है नहीं, अमेरिका तो है नहीं, कि चलो अब निभी तो निभी, नहीं निभी तो जड़े पुत्रा तू, मेरे चार पुत्र नहीं, दो तू रखते दो मैं रखूंगा, तोते अनुबाग बतेरे ते निमदा क्यों मान करना बैठे, वहां तो ये आम चलता है, तोते अनुबाग बतेरे ते निमदा क्यों मान करना, तैनू भी हो ते मैनू भी हो, वो तो एक शादी समझते हैं जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, जब तक ठेका चलिया चला लिया, ना ठेका चला दुआ, पर वो तो भारत में है ही नहीं, ऐसा तो हमारे में जुड़ता नहीं है, हो मैं नहीं भावांगी कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे मेरे बच्चे ऐसा भाव रख करके जिंदगी कटते चले, ये तो होंगे कभी सुख कभी दुख, ये तो चलेगा ज्वार भाटा, जिंदगी नाम ही इसी का, इसी से भगवान ने कहा है क्या क्या क्या, ओ हिम्मत वाले उठ, वसीला बन ना देर कर, वसीला बन ना देर कर, महाराज बार बार कहा ओ अर्जुन ना बन ही जो ना मर्दोजार, नहीं तेरे छाया ये, बहुत अच्छा फरमान, तो ना मन ही जो ना मर्दोजार, नहीं तेरे छाया शादी किया, ये कम हिम्मत ही छोड़, जब भी आपका मन ऐसा रास्ता में जाने लगे, ये कम हिम्मत ही छोड़, कर जी करा, अभी सो दे अर्जुन, खड़ा हो खड़ा, खड़ा हो खड़ा, खड़ा हो, इस श्लोक ने मेरी बड़ी मदद की, भगवान के इस चोटी के फरमान ने दे दियो मेरी बड़ी सहायता की, कर रही है करते रहेंगे, बड़ा गजब का फरमान है, कम हिम्मत ही छोड़, कर जी करा, अभी सो दे अर्जुन, खड़ा हो, मेरे भगवान कह रहे हैं अरे नहीं करा, हमारे इष्टदेव हमारे नारायण मजाते खुद कह रही है, अपने बच्चों को कह रही है, कर जी करा, अधूर सोचे अर्जुन, खड़ा हो खड़ा, उत्तिष्ट अर्जुन, उत्तिष्ट अतिश उत्तिष्ट अर्जुन, हाय बहुत अच्छा होगा, उठ खड़ा हो, क्या हो गया, मैं तेरे साथ हूं, आपने ड्रामा सुना है यहां से कैसेट से, कृष्ण और सुदामा का, हाँ गुरुदेव की श्रीमती ने कहा जाओ ईंधन समाप्त है आश्रम में, ईंधन लेके आ, हाँ ईंधन लेने के लिए चले गए वन के अंदर, लेकर बड़ा जोर का वर्षा बिजली कड़की तूफान आया, हाँ अब सुदामा घबराया, हाँ तूफान आ रहा है, सुदामा अब बिछड़ भी गए दूर दूर हो गए, सुदामा इधर आए वो परे चले गए, सुदामा सुदामा हाँ तूफान, सुदामा डर लग रहा है, डरते क्यों हो, जवाब आ रहा है उधर से, ये जवाब क्या मेरे लिए नहीं है, क्या आपके लिए नहीं है, सुदामा का तो बहाना था, अब भी आवाज है कृष्ण की, सुदामा क्या सुदामा बिल्ली कड़क रही है डरते हो, सुदामा दूर से कह रहे हैं, सुदामा डरते क्या हो, मैं भी तेरे साथ, जोर की ताली मारते हो, सुदामा जी डरते क्या हो, मैं भी तुम्हारे साथ, रोटे खड़े करने वाली शब्द है, मन तो कह रहा है मन घबराता क्यों है, भगवान तो तेरे साथ, मेरे मुश्किल मन डरता क्यों है, घबराता क्यों है, भगवान तो तेरे अंग संग है, सुदामा जे डरते क्यों हो, मैं तो तुम्हारे साथ, हाय मुर्दा में रूप फूकने वाली शब्द, मैं तो तुम्हारे साथ, शिकारी कुत्ता भी शेर बन जाता है जब मालिक उसे कहता है ला 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 ला, वो इतना ताकत भर जाती है मालिक मेरे साथ है, वो इतना दौड़ता है, हम तो कुत्ते से बदतर हो गए, अगर भगवान की आवाज को लेकर उत्साह भी ना आ जाए तो कुत्ते से बदतर, हमारे साथ शिकारी कुत्ता अच्छा है, जिसको मार ला 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 हो गया हो गया ला 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 ला, भगवान भी तो कह रही है ये कम हिम्मत ही छोड़ कर जी कड़ा, अर्जुन सो दे अर्जुन खड़ा, हम शिकारी कुत्ते से गाय भी तेरी बनेंगे, हम इंसान है इंसानियत को चूमेंगे, भगवान के शब्दों की पूरी पूरी कदर करेंगे, आहा जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, डंडा वो जो वक्त पे काम आए, और फरमान वो जो गिरे हुए गिर रहे मन को उठा ले, ज्ञान वो जो गिर रहे मन को उठा ले, और भगवान का ज्ञान तो बड़ी छोटी ज्ञान है, अनुपम है भगवान का ज्ञान, अनुपम इसकी कोई उपमा भी नहीं है, ऐसा ज्ञान मुझे और आपको मिल रहा है,
भगवान कहते किसका काम सिरे चढ़ेगा, जो कर्ता चुस्त है, होशियार है, स्फूर्ति वाला है, प्रवीण है, दक्ष। मारो अपने अंदर गोता, अगर कमी है तो पूरी करो। मैं भी अपने अंदर गोता मारू, आप भी अपने अंदर निरीक्षण कीजिए, जरा इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा, वेयर वी ऑल स्टैंड। अगर देखते हैं कोई कमी है तो पूरी कर लो। भगवान जी मेरे अंग संग है, भगवान जी मेरे अंतर्यामी है, प्रभु की विशेष शक्ति जो मेरे पास है, फिर मैं क्यों निरुत्साहित हो जाऊं, फिर मैं क्यों गिरूं। वाह, भगवान के शब्दों को कलंक लगाऊं, हाय मैं प्रेम को धब्बा लगाऊं, हाय लोग क्या कहेंगे, भगवान का भक्त होके निराशा में डूब गया, हाय ये मैं किसी को कहने का मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। कल कोई भक्त मनना नहीं चाहेगा, मेरे जैसे कोई देखेगा निरुत्साह, मरा हुआ गिर गया, क्या भक्ति लेके से दिया, कहीं चेहरे पर रौनक नहीं है, खुशी नहीं है, ये लोगों के सामने भगवान की भक्ति की कलंक, भगवान जी को कलंक, लोग क्या बकवास करेंगे। बाबा भारती खेत की कहानी आपने घटना सुनी होगी, बड़ा अच्छा, उसके पास घोड़ा था, किसी डाकू ने देखा, मांगने गया, बाबा तूने घोड़े का करना, मैं डाकू हूं, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए, नहीं मैंने छोटे बचपन से इसे पाला है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पुत्र समान है। अच्छा बाबा ना सही। तो बाबा भारती शहर में जाया करते थे भिक्षा मांगने के लिए दिन में एक बार, वही डाकू लूना लंगड़ा बांध के बैठ गया। अरे बाबा भगवान वास्ते, बाबा लूना लंगड़ा हो, नगर तक जाना बाबा, जरा मुझे भी घोड़े पे बिठा ले, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। क्या बात, ऐसे रूल लंगड़े ने जरा दर्द भरी आवाज निकाली, बाबा भारती भगवान का प्यारा था, उतरा, अच्छा भाई तुम घोड़े पे बैठ जाओ, मैं ज्यादा बोझ नहीं डालता, धीरे धीरे करके लगाम पकड़ के चलो, ठीक। अब वो बैठ के बाबा भारती पीछे पीछे, उसने मारी एड़ी, घोड़ा हवा से बातें करता, हो जाए बाबा देखा, यू नहीं तो यू सही, तुझे कहा था घोड़ा दे दे, मैं वही डाकू हूँ। अच्छा वही डाकू है, हाँ घोड़ा ले जा, मैं ले जा रहा हूँ, ओ पुत्रा ले जा, पर मेरी बात सुन ली, दूर जाकर घोड़ा उसने ब्रेक लगाई, बाबा क्या किसी को ये ना कहना कि मैंने अपहज बन के घोड़ा छा लिया, वरना आज के बाद दुनिया अपाजों पर क्या क्या अंगहीनों पर क्या विश्वास ही नहीं करे। ये ना करना पुत्र, किसी को ये ना कहना कि मैंने अपार बन के और ये अंगहीन बन के ऐसा कर दिया, कोई हाय घोड़े को दुड़ाया और फिर वापस आके घोड़ा भी दिया, चलो के गिर पड़ा, बाबा तेरे शब्द मुझे खा गए, लोगों को ना बताना कि मैं अपाज बना था, लोग जो सच्ची अपाजों पर विश्वास नहीं करेंगे और भूखे मरने लग जाएंगे। हाय मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, हम भगवान के भक्त चला चुकी है, दुनिया हमें जानती है, आप सब गली मोहल्ले वालों को भक्तानी भक्तानी, ए बाबू सारे बच्चा बच्चा जानता है कि बाबू हमारी भक्तानी भक्तानी भक्तानी, इशारों को सत्संग में जाती है, हर एक को मुद्दत से जा रहे हो, लाज रखना भगवान की, लाज रखना भक्ति की, लाज रखना अपने इस दुआ देने वाले शुभ भावना देने वाले साधु की, और द्वार लाज रखना अपनी गीता जी की। कल कोई उल्टी पुल्टी बात ना कहने पाए, कोई उल्टी बात, मेरी भी लाज रखना, मेरे भगवान की भी लाज रखना, अपने सत्संग भी लाज रखना और गीता जी की भी लाज रखना, हमसे सहन ना होगा बिल्कुल भी नहीं। जैसे उसने कहा था, अरे भाई किसी को ये ना कहने कि मैंने अपाज बन के घोड़ा लिया था, वरना कोई भी अंगहीनों पर या विकलांगों पर विश्वास नहीं करेगा। गट घोड़ा वापस, रो पड़ा, बाबा तेरे शब्द मुझे खा गए, इस तरह हमारा मन रो पड़ेगा, चिल्ला उठेगा, कहा भगवान ने कह दिया, हाँ देख ले मेरे बच्चे, हम क्यों निरुत्साहित हो, हमें क्या, जब भगवान हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, उनका ज्ञान हमारे साथ है, किसी भगवान के भगत की शुभ भावनाएं हमारे साथ है, हम क्यों गिरे, हम क्यों निरुत्साहित हो, हाँ हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, दाएं में भी है बाएं में भी है, हमारे दोनों है, एक और भगवान की दिव्य शक्ति है, एक और किसी भगवान के प्यारे की शुभ भावनाएं, हमें क्या निरुत्साहित हो, डॉट डॉट के मुकाबला करेंगे, जरा भी कुछ कल पे ऐसी वैसी बात होने लगी तो हम भगवान के फरमान से पूरी सहायता लेंगे, अपने आप को, अपने आप को निरुत्साहित नहीं होने देंगे, हम पेशमुर्दगी में अपने आप को नहीं डालेंगे, हमारे चेहरे पे जलाल होना चाहिए, मलाल नहीं मलाल नहीं मलाल नहीं, मलाल कभी आ नहीं सकता, तब भगवान कहते ये करता बहुत अच्छा, कामयाबी इसके गले सिरे डालेगी, क्योंकि इसकी क्या भावना भी पवित्र है और कर्म करने वाला भी स्फूर्ति वाला है, चुस्त है, शांत और अशीत।